हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। आज थी निफ्टी 50 की एक्सपायरी, और आज जिस तरीके से लोगों ने एक्सपेक्टेशन करते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन पैसा बनाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में। हो सकता है मार्केट ने प्रीमियम भी डबल नहीं किया होगा किसी भी मोमेंट में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि मार्केट ने आज किस तरीके से काम किया, और कल के लिए मार्केट के लिए कौन सी मेजर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा देखिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, देखो मैंने सुबह टेलीग्राम में मैसेज डाले थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारे रहने वाला है वो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ सुबह, ठीक है, जो हमारे लेवल्स होते हैं, जिससे क्या है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने में आसानी मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो 23,440 हमारा रेजिस्टेंस था जो मैं सुबह शेयर किया था, यहाँ से मार्केट गिरता है सुबह, ठीक है, यहाँ से गिरा। अब यहाँ पर आकर के मार्केट ने एक बॉटम बनाया। जब देखो मार्केट कभी भी नया बॉटम बनाता है तो वो अगली बार के लिए सपोर्ट बन जाता है। तो अगली बार जब मार्केट रिट्रेस करके दोबारा नीचे आया तो दोबारा मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब देखोगे आप, इसने मार्केट ने आज पूरे दिन इसको तोड़ा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस क्यों लिया है, इसका मैंने आपको बता रखा है कि 23,400 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 23,400 की रेंज है, यहाँ पर देखोगे 23,405-407 यही रेंज में मार्केट काम कर रहा है। दो तीन दिनों से, क्या मैं तो कहूंगा 3-4 दिनों से मार्केट इसी रेंज में काम कर रहा है, ठीक है। मार्केट इस रेंज को तोड़ नहीं पा रहा है, तोड़ा आज तोड़ने की कोशिश की थी इसने यहाँ पे ये, लेकिन क्या हुआ मार्केट इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से मार्केट में देखो। अच्छा 23,440 जो मैंने रेजिस्टेंस डाला था वो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखो कैसे आता है ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर कोई भी मार्केट में कोई भी नया हाई या नया लो लगता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाता है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे 23,040 कैसे आया मार्केट, यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है दो बार, ठीक है, अच्छे से समझो इसको। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी दो बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो अगेन अगली बार के लिए जब मार्केट आएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। और ये 23,400 कैसे रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ रेजिस्टेंस, देखो कुछ लोग नए आते हैं तो उनको बताना पड़ता है। यहाँ पे 23,400 जो है यहाँ पे देखोगे ये रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, और यहाँ से फिर लिया है, यहाँ से फिर लिया अगेन, तो ये भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चिप बताता हूँ, मैंने अगर 30 मिनट पर कर ही लिया इसको, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है इस तरीके से, आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मार्केट जब भी आ रहा है इस ट्रेंड लाइन के आसपास वो सपोर्ट ले रहा है, देखो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, कैसे इस तरीके से। तो आप लोगों के लिए अब आपको ध्यान रखना है, इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करना है, ये ट्रेंड लाइन बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट दे रही है मार्केट को इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो कल मार्केट अगर अगेन इसके आसपास आता है तो वहां से अगेन बाइंग आ सकती है, और कोई हमें बुलिश कैंडल मिलती है तो वहां से हम अपसाइड के लिए फिर सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आपने देखा ट्रेंड लाइन आ रही है यहां पे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं आपको, ये देखो यहां से आपने एक चीज नोटिस की, मार्केट कर क्या रहा है, इस रेंज में इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। तो मार्केट आज यहां से गिरा है, तो अभी ये इस ट्रेंड लाइन पर नहीं आ पाया है, तो हो सकता है मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन तक आए। वो कब आएगा, जब मार्केट हमें कोई बियर कैंडल देता है तब यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ये वाली जो रेंज है, यहाँ पे मार्केट में निफ्टी 50 इस रेंज में फंस गया है आज के टाइम पे, ठीक है। इस रेंज को नहीं तोड़ पाया, 23,415 के आसपास के, 400 के आसपास को रेंज को नहीं तोड़ पाया है, और ये सपोर्ट बनाया है। तो कल के लिए मार्केट में जो सपोर्ट एक्शन रहने वाले हैं, अगर मार्केट यहीं पर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट के लिए सबसे पहला तो रेजिस्टेंस यही है। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो सेकंड रेजिस्टेंस ये हो गया, और तीसरा रेजिस्टेंस मार्केट के लिए ये हो जाएगा कल के लिए। कौन सा हो जाएगा, ये आप देखोगे यहाँ पे 23,480, ये मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया है, तो वो 23,480 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो मार्केट जिस तरीके से काम कर रहा है, मार्केट ज़्यादा कुछ खास बड़े मूव दे नहीं रहा है, तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, यहाँ क्लोज दिया है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यही है। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर ये हो गया हमारा 23,440-445 की रेंज, जो हो गया जोन हो गया, ठीक है, और ऊपर हो गया ये 23,480 का। अगर नीचे मार्केट आता है, यहाँ से फ्लैट ओपन होकर के मार्केट नीचे आता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट क्लोजिंग करते करते एक बियर स्कैनल दे गया है यहाँ पे, ये मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, तो हमारे लिए मार्केट में कल के लिए सपोर्ट कौन सा रहेगा, पहला नीचे ये वाला सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है, कौन सा, ये वाला सपोर्ट। मैं यहाँ पर जोन डाल देता हूँ, आप इसको एक जोन की तरह भी डाल सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से। ये हम जोन क्यों डालते हैं, आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो
यहाँ से देखो तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से सपोर्ट लिया अगेन, फिर सपोर्ट लिया और अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले चुका है, तो कल के लिए मार्केट में ये भी सपोर्ट का काम करेगा। अगेन ध्यान से सुनो, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर ये टूटता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, और ये भी टूटता है तो फिर हमारी ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी आपको 30 मिनट पर दिखाई थी वो भी हमें मार्केट को सपोर्ट देते हुए आ रही है, तो वहाँ तक के लिए हमारा तीसरा टारगेट हो गया। और अगर ये भी मार्केट तोड़ता है तो फिर हमारा सपोर्ट का जो काम करेगा हमारा ट्रेंड लाइन टूटती है तो ये 23,303 के आसपास जो जोन पड़ा हुआ है 23,300 हम कह सकते हैं, ये हमारा सपोर्ट का काम करने वाला है, ठीक है। निफ्टी में इस तरीके से काम हुआ कल, तो ठीक है। आजकल निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी कुछ खास मूव दे नहीं रहे हैं, तो ओवर ट्रेडिंग कम करो और देखो आप कहाँ मूव दिया। मार्केट सुबह ओपन होते ही गिरा और यहाँ से फिर पूरे दिन मार्केट सैडल हो गया, तो ओवर ट्रेडिंग कम करो, ट्रेडिंग को अवॉइड करो ऐसे सैडल मार्केट में, और हो सकता है तो आप एक या दो ही ट्रेड करो बस, ठीक है मार्केट में। तो आज मार्केट ने मूव दिया ही नहीं, यहाँ से जो मार्केट ने मूव दिया था, मैंने एक टेलीग्राम में मैसेज भी डाला था, यहाँ से यहाँ पे था मार्केट इस जगह पे 11:39 पर मैंने अपने टेलीग्राम में मैसेज डाला था कि यहाँ से अब नीचे इग्नोर करो, मतलब नीचे को इग्नोर करो, टालो उसको। तो यहाँ से मार्केट देखो ऊपर गया है, यहाँ तक गया मार्केट, ठीक है। फिर अच्छा, इससे पहले मैंने यहाँ पर भी मैंने मैसेज डाला था, यहाँ पर कहीं भी मार्केट था कि मार्केट अभी भी बियरिश है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए दोस्तों, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जुड़े रहिए, लर्निंग करते रहिए। मैं पूरी सीरीज ला रहा हूँ लर्निंग का, इसी चैनल पे पूरी सीरीज ला रहा हूँ फ्री, बेसिक से एडवांस तक बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम, बेसिक से सपोर्ट डिस्टेंस कैंडल साइकोलॉजी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखेंगे हम पूरी 1x1 फ्री क्लास, फ्री वीडियो आएंगे मेरे, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, देखते हैं कहाँ तक आते हैं, ठीक है। आप लोग सपोर्ट दीजिएगा मेरे को, सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि लोग फ्री में सीख सकें। मैं फ्री में सिखाना स्टार्ट किया है, मैंने फ्री में सिखा रहा हूँ बिल्कुल भी, यूट्यूब पर भी आएंगे कुछ लोग, मान लीजिए हमारी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, हमारा फ्री ग्रुप भी मैंने बनाया है, हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो भाई आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसमें मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा फ्री लर्निंग ग्रुप, जिसका हमारा बैच जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसमें हमारे कुछ स्टूडेंट रह गए अभी जुड़ने के लिए, तो वहाँ से वो लोग भी जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद हम नया ग्रुप स्टार्ट कर देंगे बैच, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और सपोर्ट कीजिए, प्यार दोगे तो भाई देखो वीडियोस को प्यार दोगे तो मैं भी मोटिवेट रहूँगा आपको सिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई आजकल फ्री में कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं पूरा बहुत सारी चीज़ें फ्री में सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और कोई कमेंट्स हो तो वरी हो तो कोई कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो टेलीग्राम में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग।